एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ में पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड किसे बोलते हैं, सोलेनॉइड किसे बोलते हैं, पहले तो सोलेनॉइड का मतलब है कि बहुत लंबी वायर को अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स दें किसी मेटल कंडक्टर के ऊपर, या वैसे भी नंबर ऑफ टर्न्स घुमाना शुरू कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाती है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स देने शुरू किए एक मान लो आयरन कोर के ऊपर, तो वो एक सोलेनॉइड है, तो हेलिक्स की फॉर्म में। तो सोलेनॉइड लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, गोल 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 तारें घूम रही हैं, हुज लेंथ इज वेरी लार्ज, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1000, 2000, 3000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो लेंथ बहुत बड़ी यूज होने वाली है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, डायमीटर छोटा है और लेंथ बहुत बड़ी है, इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक, इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी बोलते हैं, लॉन्ग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, ये वायर्स आपने घुमा दी, इसके एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है, क्या होगा? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के एक्सिस के ऊपर। सोलेनॉइड के कुछ रूल्स हैं, पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन सोलेनॉइड से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैंने करवाया भी था कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ करनी है, तो मान लो ये करंट कैरिंग वायर है आई, और आप मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास शो करना चाहते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था, कंसेंट्रिक सर्कल्स, करंट की तरफ थंब रख लें तो आपके फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके आसपास क्या ड्रॉ की जाएंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे ऐसे। तो जैसे हमारा जो थंब घूम रहा है, सॉरी फिंगर्स घूम रही हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसी तरीके से एक और रूल याद रखेंगे, ये करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। एक और रूल याद रखेंगे, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स याद करो पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती थी, नेगेटिव के ऊपर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का रूल है ये नॉर्थ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती हैं, साउथ के ऊपर, ये इसका रूल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जाती है, दो रूल क्लियर है। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं। जो आपका सोलेनॉइड है, ये आपका एक सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग वायर है और टर्न्स की फॉर्म में, ये एक सोलेनॉइड है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज को समझ लें, सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स से बना हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एक लूप है, और हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर मान लो कोई भी इनमें से मैं एक लूप बाहर निकाल लूं, तो इसमें ऐसे करंट जा रहे हैं, तो अगर मैं चार फिंगर को करंट के साथ घुमाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे जाएगी, चार फिंगर ऐसे घूम रही हैं तो बी ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो ऐसे जाएगी, और हमने मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है इस पे। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सिस पे होगा और कहीं नहीं होगा, होगा ऐसा होगा क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट कर रही है, और हम ही आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कोई भी चीज़ जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है तो वो भी एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट है, और अगर हम बात करते हैं वो मैग्नेट है तो मैग्नेट के पोल्स भी इमेजिन किए जाते हैं। तो अगर करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके से मूव कर रही है या करंट ऐसे मूव कर रहा है, और मैं इसको अपने मन में मैग्नेट मान लूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो आप लोग ये पूछेंगे सर पोल्स कहां पर है। हम आने वाले टाइम में एक रूल पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे आने वाले टाइम में ही बताऊंगा, कि अगर आपको किसी भी लूप में करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है और मेरे को करंट यहाँ से क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, लेकिन आपको कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे को यहाँ क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि ये पोल साउथ पोल है। मैग्नेट का रूल है, करंट कैरिंग वायर को अगर आप मन में मैग्नेट मानते हैं तो जिस एंड पर करंट आपको क्लॉकवाइज नजर आता है वो साउथ पोल है,
और जिसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है वो नॉर्थ पोल है, ये रूल है। तो आप यहाँ पे अगर करंट मान लो मैंने यहाँ से पास किया और करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज नजर मैंने पास किया, तो ये पूरा पूरा पोल मुझे कैसे नजर आएगा, लाइक साउथ पोल। लेकिन अगर मैं यहाँ से करंट क्लॉकवाइज पास करूँ लेकिन आपकी तरफ आते 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 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये पोल क्या नजर आएगा, नॉर्थ पोल। तो सोलेनोइड अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो सोलेनोइड को मैग्नेट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और वैसे भी प्रैक्टिकल सबको पता है इट एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो दो पोल्स इमेजिन करने पड़ेंगे, चाहे इमेजिनरी पोल्स हैं। तो पोल्स बनाने का तरीका सोलेनोइड में क्या रहेगा, साउथ पोल कौन सा पोल बनेगा जहां करंट क्या है क्लॉकवाइज, और जहां एंटी क्लॉकवाइज वहां नॉर्थ पोल है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पे एंड होती हैं। तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हो, नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ तक जा रही है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ पे जाएगी, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा नहीं है कि कंसेंट्रिक सर्कल बनाती नहीं, ये बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे जाती हैं, लेकिन इसके अंदर साउथ से नॉर्थ पे आती हैं, ऐसे रुकती नहीं है ये, बंद नहीं होती, तो ये घूम के वापस ज्वाइन कर जाती हैं। तो इस तरीके से ये लाइंस ऐसे जाती हैं, ऐसे मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो एक्सिस के अलोंग जाती हैं, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर कोई ये पूछे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ होती हैं, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ होती हैं, ये रूल है। तो अब आप कोई भी सोलेनोइड का एग्जाम्पल देख लेना किसी भी किताब में, आपको ऐसा दिखेगा, ये सोलेनोइड है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है नॉर्थ से, और कहाँ पे आ रही है, बाहर साउथ से, और सोलेनोइड के अंदर कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। कोई डाउट इसमें, क्या इस स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो लाइंस ड्रॉ करनी आ गई और डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम कैसे बनता है। लेकिन हम अपने डायग्राम ऐसा बनाते नहीं, तो इंटरनेट से लिया डायग्राम है, हम ऐसा बनाते हैं कि हमारा लॉन्ग सोलेनोइड है और इस लॉन्ग सोलेनोइड में ये वायर्स ही वायर्स हैं, ये री वायर्स, इन वायर्स के अंदर इस एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो अगर मुझे इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इस वायर का स्मॉल एलिमेंट लूं, पहला तरीका है मैं इसका स्मॉल एलिमेंट डीएल लूं, डीएल की वजह से मैं यहां डीबी निकालूं, और फिर पूरी ये गोल 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 घूमती हेलिकल वायर का इंटीग्रेशन करके टोटल भी निकालूं। और ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, सोचने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेंगी, ये हो सकता है और मैंने किया भी हुआ है। और मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद एंड में, जरूरी नहीं है ये करना, ये कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको इसकी इसका टॉपिक दिखाऊंगा करके कि बायट सेवर्ट लॉ ने भी बी निकाला हुआ है, लेकिन एक पेज की इंटीग्रेशन उसने यूज की, और एम्पियर सर्किट लॉ इसको दो लाइन में खत्म कर देगा। तो आपके जो सीबीएसई के कोर्स में है वो एम्पियर सर्किट लॉ है, पर बायट सेवर्ट लॉ से ये चीज हो सकती है, हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसलिए कैटेगरी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक है, यहां तक। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां निकालना है, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, आप क्लोज पाथ ले लो। कोई कहता है जी क्लोज पाथ कैसे भी ले लो, मैंने कहा हाँ कैसे भी ले लो, कहता सर्कल ले लूं, ले लो कैसे, कोई आर्बिट्री पाथ ले लूं, हाँ ले लो, पर ऐसे लेना जहां पर आपको बी निकालना है वहां से तो कम से कम क्लोज पाथ को मूव करवाओ। ये तो वही बात हो गई जैसे गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछा कि सर यहाँ मेरे को एक शेल की वजह से यहाँ पे ना r डिस्टेंस पे e निकालना है, तो मैंने कहा क्लोज पाथ ले ले, क्लोज सरफेस ले लिए क्वेश्चन, तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगी, एक शेल स्फेयर बनेगा पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पर आपको e निकालना है। अगर जहां पर आपको ई निकालना है वहां से ही सरफेस पास ना हुई तो फिर निकालोगे क्या, आगे पीछे ई निकल आएगा। उसी तरीके से जहां आपको बी निकालना है, आपको एक्सिस पे बी निकालना है, तो अपने क्लोज्ड पाथ को एक्सिस के ऊपर पार आपने पास करवाना है। इसलिए मैंने क्लोज्ड पाथ को कहां लिया, मैंने क्लोज्ड पाथ को, ये देखो मेरे को एक्सिस है,
ये मैंने एक्सिस के ऊपर से क्लोज पाथ पास कर लिया, और फिर मैंने ऊपर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी, ताकि सारे डायरेक्शन में बी को मैं इवेल्युएट कर सकूं। तो मेरा क्लोज पाथ का नाम क्या है? ए बी सी डी। कोई कहता सर्कल क्यों नहीं लिया? हाँ सर्कल ले लो, फंस जाओगे मुसीबत में, फिर उसकी लेंथ कौन निकालेगा? फिर टेंजेंट टेढ़ा टेढ़ा लेते रहना, रेक्टेंगल लेना ज़्यादा आसान है। इमेजिन कर लो, वैसे तो लेंथ इनफाइनाइट है, लॉन्ग सोलेनोइड है, पर आपने जो क्लोज पाथ दिया उसकी लंबाई आपने क्या ली? एल लंबाई ली। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपने क्लोज पाथ ले लिया। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर करंट सोलेनोइड में क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है। लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मुझे खुद मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा सोलेनोइड है, मैं कह नहीं सकता। हाँ, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड। तो स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये याद रखना, इसमें स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसके अंदर एक काम करना है आपने, इसमें करेक्शन है, ए बी सी डी गलती से पी क्यू आर एस लिख दिया। ये ए से लेके बी तक है, ये बी से लेके सी तक है, और ऐसे ये सी से लेके डी तक है। या एक काम करो यार, पी क्यू आर एस छोड़ो, आप यहीं पे कर दो, ये पी कर लो, ये क्यू कर लो, ये आर कर लो, और ये एस कर लो डायग्राम में, ये बेटर है, कम से कम राइट का रिजल्ट लेफ्ट का रिजल्ट सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, या करेक्शन कर लेना, तो मैंने इसमें क्या किया, पी क्यू आर एस क्लोज पाथ ले लिया। इस क्लोज पाथ का मुझे क्या निकालना होता है? बी डॉट डी एल। तो शुरू करते हैं, बी डॉट डी एल पी से लेके क्यू तक का निकलेगा, बी डॉट डी एल क्यू से लेके आर का निकलेगा, आर से लेके एस का निकलेगा, एस से लेके पी का निकलेगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा है, पी से क्यू निकलेगा, क्यू से आर निकलेगा, आर से एस निकलेगा, और एस से क्यू निकलेगा। तो चार रास्ते हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं बी डॉट डी एल निकालता हूँ, पहले मैं पी से क्यू चलता हूँ, तो स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ पी से क्यू जाने में, डी एल वैक्टर, पी से क्यू स्मॉल एलिमेंट ले लिया, बी वैक्टर भी राइट की तरफ है, तो बी और डी एल में यहाँ पे एंगल क्या बनेगा ओपन करने के बाद? जीरो, बी डी एल कॉस जीरो। तो पी से लेके क्यू तक एंगल बी भी राइट है, बी भी राइट है, डी एल भी राइट है, तो बी डी एल कॉस जीरो। लेकिन जब मैं क्यू से आर पे आता हूँ, क्यू से आर में डी एल वैक्टर कहाँ पर है? ऊपर है, और बी वैक्टर कहाँ पर है? इस तरफ है, एंगल इनके बीच में कितना है? 90 है। तो क्या बनेगा? बी डी एल कॉस 90। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? फिर उसी तरीके से ये देखो, यहां पर आएंगे तो ये डीएल नीचे बनेगा, बी वेक्टर राइट बनेगा, तो फिर से एंगल क्या बनेगा यहां पर? 90। रह गया ये चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में बी अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। सोलेनोइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, बहुत वैल्यू एक्सिस के ऊपर होती है, बाहर ये नहीं कह सकते कि होती नहीं, बहुत कम होती है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, जो मैंने यहाँ से डायग्राम लिया भी था, मैक्सिमम लाइंस एक्सिस पे पास कर रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइंस क्या हो गई? कम है, नेग्लिजिबल है। तो मैंने क्या किया, हाँ नेग्लिजिबल क्यों है उसका आंसर दूंगा अभी। तो पहले वाले पी से लेके क्यू जाने में एंगल जीरो था, फिर 90 था, बाहर वाले को मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा बताता हूँ, और फिर 90 था, ये 90 cos 90 की वजह से वैसे ही जीरो हो गया, ये तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ये फिर 90 जीरो हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल फ्रॉम पी से क्यू, और पी से क्यू की लेंथ मैंने क्या ली हुई है? एल। तो इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पर क्या आएगा? एल। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू क्लोज्ड पाथ में मैंने क्या ली? एल। क्वेश्चन ये अराइज होता है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों हो जाता है? अंदर तो बहुत है, बाहर क्यों कम हो जाता है? बाहर क्यों कम होता है जबकि लाइंस तो पूरी की पूरी क्रॉस करेंगी, नॉर्थ से लेके साउथ क्रॉस करेंगी, लेकिन फिर भी लाइंस कम हो गई? ध्यान से समझना, इसका आंसर ऐसा है। सपोज करो आपने एक सोलेनोइड लिया, नंबर ऑफ टर्न्स इमेजिन कर रहे हो, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, उन में से एक टर्न आपने ये ले लिया, तो सोलेनोइड में से ये लो, ये एक टर्न मैंने बाहर निकाल लिया, एक, ठीक है? तो मैं बोर्ड के अंदर जाके हाथ कर नहीं पाऊंगा तो बाहर दिखा रहा हूं। तो ये एक टर्न है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। कोई मुझे ये बताएगा कि ये अगर रिंग है जिसमें करंट जा रहा है या एक सर्कुलर टर्न है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके आसपास कैसी होंगी? कैसी होंगी?
रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये रिंग है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है ऐसे, इसके आसपास वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे? कोई कहता आपने चार फिंगर ऐसे घुमा लो, ऐसे कितने लोग एग्री करते हैं? ना, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर थोड़ा पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, डायग्राम लाइंस का कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक तो कह रही है। ये देखो ऐसे नहीं करेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन ये वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे ही है। फिर मैं कहता हूँ कि ये देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। है तो एक स्ट्रेट वायर ना, गोल घूम रही है तो एक वायर ही, और करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनती जाएंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इमेजिन कर लिया एक चीज, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये इमेजिन करना, हालांकि आपसे ये कोई पूछेगा नहीं ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन आप घर जाके सोच सकते हैं कि मैंने जीरो क्यों मार्क किया था। तो मैंने एक सर्कल लिया, और इमेजिन करें कि मैंने दो सर्कल लिए, एक ये सर्कल लिया, एक इसके सामने भी सर्कल लिया, दो सर्कल ले लिए जिनमें आई अमाउंट ऑफ करंट ऐसे है, दोनों में ऐसे है, और मैंने एक पॉइंट लिया जो एग्जैक्टली इनके यहां पर कहीं लाया करता है। तो सोचें कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे जाएंगी? ये देखो मेरा हाथ कैसे जाएगा, ऐसे, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे, क्लियर है? तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। और अगर इसके सामने वाला सर्कल लें जिसमें करंट ऐसे है, तो अब ये पॉइंट तो पीछे रह गया, जो पहला कॉइल था यहां पे बी की बात हो रही थी, पॉइंट वही है लेकिन अगले कॉइल की बात करें, अगले पॉइंट के लिए अगर करंट ऐसे है, ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नीचे की तरफ सर्कल बनाएंगे ऐसे। तो इमेजिन करें आपके पास दो सर्कल है, ऐसे करंट जा रहा है, कोई पॉइंट इनके दोनों के बीच में है, तो ये जो पहली कॉइल है वो सर्कल ऐसे बना रही है, कंसेंट्रिक सर्कल, दूसरी कॉइल कंसेंट्रिक सर्कल नीचे बनाएगी। सोचो फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, एक फील्ड ऐसे जनरेट कर रहा है तो दूसरा फील्ड ऐसे कर रहा है। फिर ध्यान से देखो, पॉइंट ये रहा, पहला सर्कल ने बी ऐसे जनरेट किया ऊपर ऊपर, अब यहां सर्कल ने ये कैसे जनरेट करेगा, नीचे, तो ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते जा रहे हैं, कैंसल, इसलिए अपने आप ही फील्ड कैंसल होता जा रहा है, इसलिए सोलेनोइड के बाहर फील्ड अपने आप ही कैंसल हो जाता है, ये नहीं कि होता नहीं, होता है, पर कैंसल होने के चक्कर में वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, पूछेगा नहीं कोई, कोई पूछे तो बोल देना कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलेनोइड के एक्सिस पे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए बाहर निगलेक्ट कर दिया तो भी चलेगा, काफ़ी बुक्स यही बोलती हैं, निगलेक्ट कर दिया, पर मैं आपको रीज़न दे दिया कि जो दो कॉइल्स हैं, कोई पॉइंट अगर उनकी वजह से बीच में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या होते जाते हैं, कैंसल, जिस वजह से ये नेग्लिजिबल हो जाता है। खैर आपसे कोई पूछेगा नहीं, यहाँ तक कर लोगे, लेकिन एम्पियर ने क्या कहा था इतना, हाँ बोलो, सी से डी में वो बी की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सी से डी तो मैंने वर्ड भी यूज नहीं किया, मैंने कहा सोलेनोइड के बाहर आप कोई भी अगर दो रिंग्स लेंगी, मतलब आप अगर कोई भी दो, ये रिंग और ये लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये वेक्टर आपस में कैंसिल होते हैं, ये समझाया मैंने, तो इस तरीके से मैंने समझाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको नहीं समझने की जरूरत, मैंने बहुत किताबें देखी, किसी में एक्सप्लेनेशन गिवन ही नहीं है, एक नंबर कुछ नहीं एक्सप्लेन करता, बस सीधा जीरो करके डेरिवेशन कर देता है, पर ये पॉइंट क्लियर है। अब एम्पियर ने क्या कहा कि इतना लंबा करवा के रहे हो स्टूडेंट को, मेरे से पूछ लो इसका आंसर क्या है, गॉस थ्योरम की तरह, तो उसने कहा मेरा क्लोज्ड पाथ कहाँ है, मैंने कहा पी क्यू आर एस, वो कहता है एक काम करो बी डॉट डी एल निकालना है क्लोज्ड पाथ का, म्यू नॉट टाइम्स आई करंट कर दो, तो म्यू नॉट इंटू आई करंट जब किया, तो उसने ये भी पूछा कि ये बताओ कि करंट कितनी बार घूम रहा है आपके
जो आप ई क्यू आर एस ले रहे हो उसमें कुछ टर्न्स आए होंगे, कितने बार करंट घूमा। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को आई से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई करंट गया, कितनी बार करंट गया वो भी लेना पड़ेगा। तो अगर किसी वायर में आई करंट जा रहा है, और एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ वो कितनी है, एल। तो एल पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। तो एक टर्न में आई करंट है, इतने नंबर ऑफ टर्न में दिस इनटू आई करंट है। तो यहाँ से बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई, लंबे तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ से दोनों के इक्वेट किया, बी का फॉर्मूला आ गया। बी का फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, म्यू नॉट एन आई लिख लें, सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला ये रहा, म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये नोट करें। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर तो पूछे कि सोलेनोइड के बिल्कुल एंड पे जाके जो एंड पॉइंट आएगा कहीं तो खत्म होगा, जहां भी खत्म होगा उस एंड पॉइंट पे बी का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड बाई टू कर देना है। पर इसका प्रूफ एम्पियर नहीं निकाल पाएगा, इसका प्रूफ वाइट सर्वेट लॉ निकालेगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको दिखाऊंगा प्रूफ करके कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको प्रूफ आएगा नहीं। आप फॉर्मूला नोट कर लें, एंड पॉइंट पे ये फॉर्मूला है, एक्सिस के ऊपर ये फॉर्मूला है, सफिशिएंट है।